हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं आइस स्तूपास की, क्योंकि रिसेंटली आइस स्तूपास के बारे में पिछले 2-3 साल से तो बात चल ही रही है। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लद्दाख में ये बनाए जाते हैं, सोनम वांगचुक का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि इस पर स्टैम्प्स भी बनाई गई हैं, ताकि इसके बारे में नॉलेज जो है पूरी दुनिया में दी जाए, लोगों को दी जाए, और इसका क्या बेनिफिट है, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहेगा। अब देखिए, एग्ज़ाम के लिए क्या रेलेवेंस है, आइस स्तूपास क्या है, कैसे बिल्ड होते हैं, प्रोसेस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस क्या है। न्यूज़ यही है अभी फ़िलहाल कि देखिए, इसके जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उन्होंने एक स्टैम्प रिलीज़ की है, स्पेशल स्टैम्प, जहाँ पे आइस स्तूपा को एज अ कवर रखा गया है। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जितने भी स्टैम्प कलेक्ट करने की एक हॉबी होती है, उस हॉबी को क्या बोलते हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ देर पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी थी, इस तरह के अवार्ड्स रखे थे कि जो लोगों का स्टैंप कलेक्शन का हॉबी है उनको अवार्ड्स मिलेंगे, राइट? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। अब देखिए, आइस स्तूपा की बात करें तो आइस स्तूपा क्या है, जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर, ग्लेशियर आपको पता ही है क्या होता है। अगर हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाएं एक छोटा सा, उसको हम वो ग्लेशियर जैसा दिखता है, उसको हम आइस स्तूपा बोलते हैं, राइट? यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है विंटर्स में, जिसको हम बाद में जो पानी की ज़रूरत गर्मियों में पड़े उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है आइस स्तूपा का, ये हम डिटेल में बात करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है सोनम वांगचुक द्वारा दिया गया है, लद्दाख में, उनका नाम आपने सुना ही होगा। 3 Idiots मूवी भी उन्हीं की थोड़ी सी लाइफ पे जो है वहाँ से बनी है। अब देखिए, लद्दाख जो है ये एक ट्रांस हिमालयन माउंटेन डेजर्ट है, एक्सट्रीम नॉर्थ में है इंडिया के। बहुत सारे विलेजेस हैं यहाँ पे जो 2700 मीटर से लेकर 4000 जो मीटर ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है, विंटर में टेम्परेचर यहाँ पे -30 डिग्री तक भी जाता है। एनुअल रेनफॉल या जो स्नोफॉल है वहाँ पे 100 mm तक होती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं यहाँ पे वो ग्लेशियल स्ट्रीम्स के आसपास होती हैं। वैसे भी आपने सुना होगा, जैसे आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, कि कोई भी सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे पनपती है, जहाँ पे पानी होता है आगे पीछे, क्योंकि पानी एक ऐसी कॉमोडिटी है जो हर चीज़ में चाहिए। उसके बिना हमारा रोज़गार जो है, जीने की जो दिनचर्या है, वो नहीं चल सकती। तो इसीलिए वहाँ पे लद्दाख में भी जो ह्यूमन सेटलमेंट है इस कोल्ड डेजर्ट में, वो भी वाटर स्ट्रीम्स के आसपास होती हैं। तो इस तरीके जो आइस स्तूपा है, ये एक ऐसी टेक्निक है, एक आर्ट है, जिससे हम पानी को, जो स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे नदियों में या ग्लेशियर से जहाँ पे पानी बह के जाता है, उसको हम ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ जो है डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि हम इस कोल्ड डेजर्ट में भी काफ़ी सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकें, बार्ले, वीट, वेजिटेबल्स, या जिस तरह से एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, कोई भी आप बात कर लीजिए जो कि ठंडे इलाकों में चीज़ें उगाई जाती हैं, हम उसका भरपूर फ़ायदा ले पाएँ। अब यहाँ पर इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करेंगे हम। देखिए, जो क्लाइमेट है लद्दाख में वो बहुत ही कम है, जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है, पानी की ज़रूरत होती है। सबसे जो सिग्निफिकेंस में यही बात आएगी, क्योंकि हमको हर काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है, चाहे हमें जो फील्ड्स हैं उनको इरिगेट करना हो, और स्पेशली जब ग्लेशियर्स, लेकिन वहाँ पे ठंड इतनी होती है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते नहीं हैं, वो सिर्फ गर्मियों में पिघलते हैं, तो बाकी के समय पानी कहाँ से आएगा। तो इस चीज़ से फार्मर्स को बचाने के लिए, कि एक ड्राई स्पेल ना हो जाए, जो सोनम वांगचुक हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2018 में इनको रैमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला है। इन्होंने आइस स्तूपास की डिस्कवरी की। अब हम आगे चलते हैं कि इन्होंने क्या, देखिए इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया आइस स्तूपास बनाने का। एक बार ये ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, ब्रिज क्रॉस करते हुए उन्होंने देखा कि चाहे गर्मियों के दिन थे और ये बहुत ही लोएस्ट एलिवेशन, मतलब इतनी हाइट पे लद्दाख में नहीं थे, और इन्होंने देखा कुछ जगह जो आइस है वो अभी भी मेल्ट नहीं हुई है, जहाँ पे उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही, राइट? आपने भी बहुत जगह ठंडे इलाकों में आप जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जहाँ पे ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, उसके नीचे ऐसे कोन्स बनी रहती हैं आइस की,
चाहे धूप भी हो अगर उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही तो वो कोन्स जो है आइस की वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती। यहाँ से इनको आइडिया स्ट्राइक हुआ कि जो लद्दाख में वाटर क्राइसिस है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वैसे काफ़ी रीजंस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आइस स्तूपास को क्यों बनाया जाता है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हैं ताकि हम पानी को होल्ड कर सकें क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में पानी की कमी होती है या सर्दियों में स्पेशली क्योंकि सर्दियों में हर चीज़ वहाँ पर फ्रीज हो जाती है। अगर वो सर्दियों में फ्रीज हो जाएगी तो क्योंकि टेम्परेचर -30 डिग्री है और बहुत कम है, 0 से नीचे है, तो पानी यूज़ कैसे करेंगे। तो जो गर्मियों में क्या होता है समर्स के टाइम पे कि पानी टोटल वेस्ट होता है, राइट, टोटली वेस्ट होता है स्ट्रीम्स से। तो ये जो आइस है ये स्प्रिंग टाइम में मेल्ट हो जाए जब फील्ड्स को सबसे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत है, इसलिए आइस स्तूपास को बनाया गया। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि आइस स्तूपास किस तरीके से दिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एक कॉनिकल शेप है। अब मैं इसकी आपको इसके पीछे की साइंस बताती हूँ कि इसमें क्या किया जाता है। जो ये कोल्ड लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है जब पानी ग्लेशियर से जहाँ पे बह रहा है अपस्ट्रीम बोलेंगे हाइट से पानी आ रहा है, अगर सपोज 60 मीटर हाइट से पानी को लाया जाता है वहाँ से पाइप्स लगाई जाती हैं, पाइप्स को अंडरग्राउंड ज़मीन से यहाँ तक लाया जाता है, इससे पानी आएगा। देखो अब सर्दियों में क्या होगा जब जो टेम्परेचर है बाहर का वो 0 डिग्री है तो पानी पाइप्स में भी क्या हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इन पाइप्स को अंडरग्राउंड रखा जाता है ताकि पानी ऑब्वियसली 0 डिग्री तक रहता है लेकिन फ्रीज नहीं होता। जब एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है साइंस का कि पानी जो है वो अपना लेवल मेंटेन रखता है, अगर हम उसको 60 मीटर हाइट से अपस्ट्रीम से यहाँ पे अंडरग्राउंड लेके आ रहे हैं तो पानी का इतना प्रेशर होगा कि वो वापस प्रेशर से ऊपर की तरफ क्या जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे पाइप्स लाई जाती हैं इसके ऊपर एक आप नोजल लगा देते हैं, जो फाउंटेन्स आपने देखी होंगे पानी के फाउंटेन्स, तो यहाँ पे नोजल लगा देते हैं कि जब पानी का इतना प्रेशर आता है तो पानी एकदम से ऊपर जाता है। आपने अगर फाउंटेन्स देखे तो आपको दिखता होगा कि वो एकदम कॉनिकल शेप में होते हैं। तो जब ये पानी ऊपर जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है कि पानी जैसे नीचे ट्रिकल डाउन होता है, नीचे उसकी बूंदें गिरती हैं, तो वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है, राइट, एकदम जिस तरीके से आपको इसकी शेप दिख रही है। ये पहले पानी की तरह निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा और ये फ्रीज होके गिरेगा। तो ये जितना पानी का प्रेशर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रहता है उसको रेगुलेट कर सकते हैं हम पाइप्स के थ्रू। तो यहाँ पे कोई मोटर की ज़रूरत नहीं होती, कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल नॉर्मल साइंस बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट पे ये आइस स्तूपास जो हैं वो बनाए जाते हैं। आई होप इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये कैसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर सन लाइट में ये पिघलता क्यों नहीं है फिर। तो देखिए इसकी जो शेप है सन लाइट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा अराउंड ये काफ़ी मीटर्स तक ऊपर जाता है तो एक कॉनिकल शेप है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो ये नहीं पिघलेगा क्योंकि सरफेस एरिया बहुत कम है, क्योंकि मेन आइस तो यहाँ पे है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, इसके बाहर वाले सरफेस पे पड़ेगी वो उतना पिघलेगा नहीं। और वैसे भी लद्दाख में इतनी ठंड होती है कि डायरेक्ट सर्दियों के दिनों में सनलाइट भी पड़ेगा तो भी ये मेल्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ से फिर पाइप्स लगाई जाती हैं, जब अगर सनलाइट थोड़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ से पानी को कलेक्ट किया जाता है, आगे रिवलेट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे या वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं, जब ये आइस मेल्ट होगी तो पानी वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, फिर आगे से कनेक्शन फील्ड्स में हम दे सकते हैं। इस तरीके से ये जो आइस स्तूपा है ये बनाया जाता है। तो अब इसकी वर्किंग की अगर बात करें, जो चीज़ मैंने आपको समझाई वही यहाँ पे लिखी है कि पानी अपना लेवल मेंटेन करता है। और देखिए 30 से 50 मीटर हाइट तक ये जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, और टूरिस्ट के लिए भी अब ये बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग डेस्टिनेशन बन गई है। विलेज के आउटस्कर्ट्स पे इसको जो है वहाँ पे ये बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। यूजेस इसके मैं आपको बहुत सारे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक सर्वाइवल टेक्निक है, वहाँ पे पानी ही नहीं है, ये देखिए इस तरीके से पाइप्स आती हैं जहाँ से पानी मेल्ट होता है फिर ये पानी यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए अभी तक अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो 12 विलेजेस लद्दाख में ऐसे हैं जहाँ पे आइस स्तूपास जो हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाए गए हैं। लेकिन अब इसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स भी लोग क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जब ग्लेशियर से या किसी जहाँ स्ट्रीम से पानी यहाँ पे लाया जाता है अपस्ट्रीम, एक तो ऊपर वाली हाइट पे कुछ गाँव यहाँ पे बसे हुए हैं, ये स्ट्रीम अगर यहाँ से जा रही है तो कुछ गाँव नीचे भी बसे हुए हैं, तो अगर हम यहाँ से पानी स्तूपास के लिए निकालेंगे
राइट तो नीचे गांव वाले जो हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे पास पानी जो है प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, ये आप पहले ही ऊपर कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन इसके लिए भी सोनम वांगचुक ने काफ़ी जो दलीलें हैं यहाँ पे दी हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी भी इस पे एक गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई है इस कॉन्सेप्ट को भी चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे जो ऊपर गाँव वाले उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए और जो नीचे हैं कम एलिवेशन पे उनको पानी प्रॉपरली ना मिल पाए। और देखिए फिर इस तरीके से जो एक्यूट वाटर स्टोरेज है, शॉर्टेज है इन एरियाज में, स्पेशली जो दो क्रूशियल मंथ्स होते हैं अप्रैल और मई तक, वहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी अगर ये फुल फ्लेज पे ये प्रोग्राम चल पड़ेगा। और इसको लाने से पहले इसका एक प्रोटोटाइप जो है वो भी टेस्ट किया गया था सोनम वांगचुक द्वारा, उनकी टीम द्वारा। उन्होंने वैसे तो ये जो आइस स्तूपाज है इनको बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसका एक पहले टेस्ट किया जाता है। तो उसको लो ऑल्टीट्यूड में टेस्ट किया गया 15 मीटर हाइट के लिए, वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि मिड जून तक वो मेल्ट नहीं हुआ था। अगर वो एक लोअर एलिवेशन पे जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है वहाँ पे काम कर सकता है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे तो ईजिली काम करेगा। अगर लोएस्ट ऑल्टीट्यूड पे भी काम करेगा तो जो हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पे ऑब्वियसली, लोएस्ट ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि सबसे गर्म जगह पे भी अगर आइस स्टूपा काम कर रहा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है, तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी चलेगा जहाँ पे सनलाइट इतनी नहीं आती। यही था हमारा आज का लेक्चर। अब आप मुझे बताएंगे कि जैसे मैंने पूछा स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को क्या बोलते हैं, और आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू।